उसमें जो रिस्क फैक्टर जाने माने हैं, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ओबेसिटी बहुत ज़ोरों से फैल रही है, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, और एक जो हमारे देश के लिए लागू है, बहुत बड़ी स्टडी हुई थी कोई 10 साल पहले, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, उसमें ये पाया गया कि साउथ एशिया में, जिसमें इंडिया मेन है, कि आफ्टर स्मोकिंग, स्मोकिंग के बाद लो कंजम्पशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक बहुत बड़ा कारण था ऑल कॉज मॉर्टेलिटी का, इंक्लूडिंग कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कम कंज्यूम करना, कम लेना, और उसी के साथ साथ प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा लेना, जिसमें फास्ट फूड एक तरीके का है बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट, वो घरों के अंदर भी फास्ट फूड आ गया है जिसमें प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, मैदा, पॉलिश्ड राइस, शुगर, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कम होता है।